लेकर हाजिर हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर सीमा अपने कमरे में बैठकर काफ़ी ज़्यादा रो रही है। विजय की बातें उसे याद आ रही है कि किस तरीके से विजय पूरी फैमिली को टॉर्चर कर रहा है, यहाँ तक कि उसने ये तक कह दिया कि वो सीमा से शादी करना चाहता है। ये सारी बातें सोच सोच के उसको रोना आ जा रहा है। वहीं यहाँ पर आती है बिमला हाथ में खाना लिए। यहाँ पर सीमा को रोते हुए देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। यहाँ पर कहती है, क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रही है? अब यहाँ पर सीमा को उठाकर पलंग पर बिठाती है और कहती है, क्या हुआ, तू भी मेरी बेटी जैसी है, बता क्या प्रॉब्लम है तुझे? तब यहाँ पर सीमा विमला के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, विजय बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है और वो हमको इस तरीके से परेशान कर रहा है। यहाँ तक कि उसने ये तक कह दिया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे नहीं जाना उसके पास, वो बहुत गंदा है। अब यहाँ पर कहती हैं बिमला कि मैंने कभी भी तुझे विधि से कम नहीं समझा है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। वहीं यहाँ पर सीमा दिखाती है वो वीडियो जहाँ पर विजय जो है वो पूरे घर में किस तरीके से दादागिरी कर रहा था, वहाँ पर सामान रखवा रहा था और वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। यहाँ पर विमला कहती है, तू चिंता मत कर, तुझे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ पर कहती है सीमा, लेकिन वो तो हमें कठपुतली जैसे नचा रहा है ना। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर मिलता है अभिमन्यु को एक और मैसेज राकेश की तरफ से और वो कहता है कि अब मुझे वहाँ MG रोड पर नहीं मिलना, तुम किसी स्कूल के पास आ जाओ। जब यहाँ पर हम देखते हैं तो योगेश और अम्बा उस स्कूल के पास पहले ही पहुँच चुके हैं। यहाँ पर अभिमन्यु कहते हैं, ठीक है तो वहीं पर ही रुक, तू जो गेम खेल रहा है मेरे साथ वो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। कहता है राकेश कि मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ और तुम बस यहाँ पर जल्दी से जल्दी आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा प्रूफ है उनके खिलाफ। यहाँ पर अभिमन्यु उसकी बातों में आ जाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। वहीं हम देखते हैं विधि यहाँ पर सिमी को लेने के लिए पहुँची हुई है। यहाँ पर राकेश जस्ट विधि के पीछे खड़ा है। यहाँ पर राकेश बताता है अम्बा को कि प्रिया की जगह विधि आई है। यहाँ पर कहती है अम्बा की, और भी अच्छी बात है, अगर विधि आई है तो और मज़ा आएगा खेल खेलने में। अब यहाँ पर राकेश पीछे जाके खड़े हो जाता है विधि के। यहाँ पर अभिमन्यु देखता है कि ये तो वही स्कूल है जहाँ पर सिमी पढ़ती है। यहाँ पर सिमी को ढूंढने लगता है और साथ ही साथ राकेश को भी देखता है कि राकेश बिल्कुल सिमी के पास में ही खड़ा है। यहाँ पर कुछ इशारे करता है राकेश सिमी को दिखाते हुए कि यहाँ पर तुम्हारी बेटी खड़ी है यहाँ पर। लेकिन अभिमन्यु के राकेश के इशारे जो है वो बहुत गंदे लगते हैं। तभी यहाँ पर सिमी की नज़र अपने फादर पे पड़ती है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभिमन्यु ने सीधा राकेश के ऊपर हाथ उठाना चालू कर दिया है। यहाँ पर अचानक से विधि भी मुड़ती है तो देखती है कि अभिमन्यु बहुत बेरहमी से राकेश को थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जा रहे हैं। यहाँ पर भागती हुई विधि जाती है अभिमन्यु को रोकने के लिए कि प्लीज़ भैया आप रुक जाइए, आप मत करिए ऐसा। वहीं यहाँ पर अम्बा नौटंकी करते हुए कहती है कि बेचारी सिमी को क्या क्या सहना पड़ रहा है, अपने ही पापा को देखना पड़ रहा है किसी और को मारते हुए, कितना बुरा असर पड़ता है ना बच्चों पे, कितनी गलत बात है अभिमन्यु। अब यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से योगेश और अम्बा हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं विधि यहाँ पर छुड़ाने की कोशिश कर रही है, इन दोनों को अलग करती है तो दोनों जाके अलग अलग हो जाते हैं और राकेश वहाँ से भाग जाता है। वहीं यहाँ पर अभिमन्यु को उठाती है विधि और कहती है कि भैया घर चलिए। वहीं हम देखते हैं राकेश दौड़ते हुए अम्बा के पास आता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे अभिमन्यु से बचा लीजिए मैम साहब, क्योंकि वो मुझे मार डालेगा। अब यहाँ पर कहती हैं अम्बा की, कितनी कम मार खाकर आए हो, पहले अपना काम तो पूरा करो। कुछ गार्ड्स को बुलाकर यहाँ पर राकेश को अच्छे से पिटवा देती है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर घर का सीन दिखाया जा रहा है। देव डांट रहा है अभिमन्यु को कि तुम्हें इस तरीके पब्लिकली नहीं मारना चाहिए था, वो भी राकेश जैसे इंसान को। यहाँ पर कहते हैं अभिमन्यु कि राकेश फिर से ब्लैकमेल कर रहा था, मेरे पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं था और वो सिमी की तरफ इशारे कर रहा था, मुझे लग रहा था कि वो जैसे कोई गलत काम करने वाला हो। यहाँ पर विधि भी कहती है कि अब भैया ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं उधर ही खड़ी थी, लेकिन जब तक मेरा ध्यान आप पे पड़ता आप उसको मारना स्टार्ट कर चुके थे। वहीं यहाँ पर कहते हैं अभिमन्यु कि उसका इरादा अच्छा नहीं था भाभी, वो सिमी को वो दिखाना चाहता था, वो उसकी नज़रों में मुझे और प्रिया को गिराना चाहता था। यहाँ पर देव कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लग ही रहा था तो तुम मुझे कॉल कर सकते थे, तुम मुझे बता सकते थे, तुमने अपने हिसाब से इस कदम को नहीं उठाना चाहिए था, पहले ही हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा मुसीबतें हैं। वहीं हम यहाँ पर राकेश का हाल देखते हैं जो कि काफ़ी बेहाल है, सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। वहीं यहाँ पर योगेश कहते हैं कि वाह अम्बा